चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पर हमारे द्वारा बातचीत किया जाएगा आपसे पशुओं के ऊपर, जहां पे आज हम देखेंगे पशु जगत की बात। और ये पशु जगत के अंतर्गत ये पहली वीडियो है, इसे कई पार्ट में यहाँ पर कवर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आज कुछ प्रमुख पशुओं को लिया गया है जो कि सीधे तौर पर आपके कक्षा 5 के पर्यावरण आसपास एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, जिससे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में प्रश्न बन चुके हैं और यहाँ पर हम देखते हैं उससे संबंधित डिटेल। तो अगर हम यहाँ पर पहले नंबर पर बात करें यहाँ पर पशु में, तो पहले नंबर का पशु है आपका स्लाथ। ये स्लाथ पशु के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, तो पहले क्रम पे लिखा हुआ है कि यह भालू के जैसा दिखने वाला जीव है। मतलब स्लाथ को अगर यदि यहाँ पे बात किया जाए कि ये किस प्रकार का दिखता है, तो यह भालू के जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु यह भालू नहीं है। देखिए आगे की लाइन कह रहा है कि यह परंतु भालू नहीं है। एक प्रमुख यदि बात कहा जाए स्लाथ की, तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि स्लाथ बंदरों की ही एक प्रमुख प्रजाति के रूप में विद्यमान है। आगे के क्रम पे बात करते हैं कि दूसरी लाइन कहती है कि यह पेड़ों पर उल्टे लटकता है और 17 घंटे सोता है। आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि जो स्लाथ है ये पेड़ पर उल्टा ऐसे पकड़ के लटकता रहता है और ये 24 घंटे में 17 घंटे ये क्या करता है, नींद की अवस्था में यह सोता रहता है। आगे की लाइन कहती है कि यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की यह पत्तियां खाता है। मतलब यह स्लाथ जिस पेड़ पर यह रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खा करके अपना जीवन यापन करता रहता है। आगे कह रहा है कि यह सप्ताह में एक दिन शौच के लिए नीचे पृथ्वी पर उतरता है। मतलब ये पूरे सप्ताह में केवल एक दिन ये मल मूत्र त्याग के लिए नीचे उतरता है। और यहाँ पर इसी के आधार पर कहा जाता है कि दुनिया का सबसे आलसी जीव किसे कहा जाता है, साहब स्लाथ को कहा जाता है। इसकी आगे की विशेषता क्या है कि अपने 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर निवास करता है। मतलब इसका जो औसत जीवन काल होता है वो 40 वर्ष माना जाता है और इस 40 वर्षों में यह 8 पेड़ों पर निवास करता है। इस 8 पेड़ों के क्रम में यदि यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो यह एक पेड़ पर 5 वर्ष निवास करता है। अगर यहाँ पे इस 8 के आधार पे निकाला जाए तो यह एक पेड़ पर 5 वर्षों तक निवास करता है। नेक्स्ट कहता है यह एक अच्छा तैराक भी है, अर्थात इसे एक अच्छी तरह से तैराकी भी आती है, यह जल में अच्छे से तैर लेता है। आगे की लाइन कहती है कि यह एक शाकाहारी जीव है। मतलब यह भोजन के रूप में शाकाहारी वस्तुओं अर्थात पेड़ पौधों को या इसके किसी भाग को खा करके अपना जीवन यापन करता है। आगे इसकी उपलब्धता की बात करें कि स्लाथ विश्व में कहाँ पाया जाता है, तो स्लाथ विश्व में मध्य अमेरिका, ध्यान देंगे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्लाथ विश्व में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगले क्रम पर हम यहाँ पर बात करेंगे आपसे हाथी के बारे में। दूसरा हमारा जीव है हाथी। इस हाथी में पहला बिंदु देखेंगे कि यह भारत का एक राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हाथी भारत का एक राष्ट्रीय विरासत पशु है। अगली लाइन कहती है कि भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में हाथी सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाए जाते हैं, तो साहब यहाँ पर ध्यान देंगे कि सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। आगे की लाइन क्या कहती है कि हाथिनी जो होती है ये बच्चों के साथ समूह में रहती है और ये समूह का नेतृत्व स्वयं करती है। आगे की लाइन कह रहा है कि हाथिनी अपने समूह का नेतृत्व करती है। मतलब जो देखिए दो हाथी और हाथिनी, तो ये जो मादा होती है हाथिनी हम जिसे कहते हैं, ये बच्चों के साथ समूह में रहती है और ये पूरे समूह का नेतृत्व स्वयं करती है।
आगे की लाइन क्या कहते हैं कि हाथी का जो नर बच्चा होता है ये 14 से 15 वर्ष में समूह को छोड़ देता है। और यहाँ पे देखिए ये साहब ऐसा क्यों बोला, बहुत आपके एनसीईआरटी में बड़ी महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है, बहुत मजेदार। कहते हैं कि ये 14 से 15 वर्ष में समूह को इसलिए छोड़ता है, क्यों? शादी विवाह के लिए अपने समूह को छोड़ देता है। आगे की लाइन कहती है कि हाथी काले रंग का होता है। अगर यहाँ पर थाईलैंड में सफेद हाथियों की बात को छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः जो हाथियाँ हैं वो काले रंग की होती हैं, और आपको पता है कि काले रंग वाले चमड़ी वालों को गर्मी ज़्यादा लगती है, इससे उसे गर्मी ज़्यादा लगती है। आगे बात करते हैं कि हाथी गंदे पानी व कीचड़ में खेलना पसंद करती है। मतलब हाथी जो होती है वो गंदे पानी और कीचड़ में खेलना सर्वाधिक पसंद करती है। आगे की लाइन क्या कहती है, कह रहे कि हाथी के गर्भधारण का काल, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है कि हाथी के गर्भधारण कितने समय का होता है, तो हाथी का जो गर्भधारण काल है वो गर्भधारण काल इसका 22 माह का होता है। आगे की लाइनें क्या कहती हैं कि विश्व में सर्वाधिक हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं। साहब हमने दो बातें, अब पहले हमने बताया कि भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाई जाती, तो भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते, लेकिन जब यही बात करता है कि विश्व में हाथी की, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। मतलब विश्व में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाई जाती, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। आगे की लाइन क्या कहती, कह रही कि हाथी एक दिन में लगभग 1 क्विंटल पत्तियां खा जाते। मतलब एक दिन में औसतन इसका खाने का जो है वो 100 किलो पत्तियां या 1 क्विंटल पत्तियां खाती है। आगे की लाइन क्या कहती कि हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। यदि यहाँ पर देखा जाए हाथी के बच्चे के वजन की, तो ये औसतन 200 किलो का होता है। आगे क्या कह रहा है कि हाथी का औसत जो उम्र होता है वो 70 वर्ष होता है। मतलब हाथी अधिकतम कितना जीती, तो होता है कि कुछ 80 जीते हैं, कुछ 65 होते हैं, आसपास होता है। तो इस आधार पे औसत यदि निकाला जाता है तो कहा जाता है कि हाथी का औसत उम्र 70 वर्ष होता है। नेक्स्ट करें, हाथी सबसे कम सोने वाला जीव है। मतलब अगर यदि बात किया जाए सबसे कम सोने वाले जीवों में, तो वो हाथी है। और इस यहाँ पे कितना सोती है, तो यह 2 से 4 घंटे सो करके ही अपना पूरा यहाँ पे दिनचर्या व्यतीत करती या बिताती है। आगे के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। हमने अगले यहाँ पे पशु को लिया हुआ है, उसमें हमारा अगला जानवर है बाघ। बाघ के क्रम में देखिएगा साहब, एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है कि बाघ के शरीर पर पीले व काली धारियां पाई जाती हैं। पूछता है कि किस जीव के शरीर पर काली और पीले धारियां पाई जाती हैं, तो साहब वो हमारा कौन होता है, बाघ होता है। आगे कह रहा है कि यह भारत का एक राष्ट्रीय पशु है, यह भारत का एक राष्ट्रीय पशु है। आगे की लाइन क्या कहती है कि भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ध्यान देंगे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में सर्वाधिक बाघ कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। आगे क्या कह रहा है कि बाघिन समूह में अपने बच्चों के साथ रहती है। ये हाथी का ही सेम केस है कि बाघ जो होता है वो समूह में, बाघिन जो होती है वो समूह में अपने बच्चों के साथ रहती है, और अपने इस समूह का नेतृत्व वह स्वयं करती है। तो मतलब बाघिन समूह में अपने बच्चों के साथ रहती है और इस समूह का नेतृत्व कौन करता है, पूछता है प्रश्न कि नर करता है या मादा, तो समूह का नेतृत्व बाघिन करती है, मतलब मादा करती है। आगे की लाइनें क्या कहती हैं, कह रहे कि बाघ के नर बच्चे समूह को 2 से 3 वर्ष में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि हमने आगे भी बताया शादी विवाह या इस प्रकार का यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसके लिए ये बच्चे क्या करते हैं, समूह को छोड़ देते हैं। आगे की लाइनें क्या कह रही है, ये इंपॉर्टेंट लाइन विशेषताओं की, कह रही है कि बाघ को अंधेरे में दिखाई जो देने की क्षमता है वो मनुष्यों की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा होती है। तो आपकी यहाँ एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि बाघ अंधेरे में मनुष्य की अपेक्षा कितना गुना, 6 गुना ज़्यादा देख सकता
है। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो बाघ की मूछें होती है वो अपेक्षाकृत लंबी होती है, और इस मूछों की विशेषता यह होती है कि ये हवा चलने से पत्तियों की सरसराहट और जीव के द्वारा भागने मतलब शिकार के भागने दोनों की सरसराहट में अंतर आसानी से मूछों में होने वाले कंपन से ये भांप लेता। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कि ये मूछों के माध्यम से अंधेरे में दिशा का भी निर्धारण कर लेता, किस दिशा में शिकार विद्यमान है। आगे की लाइन कहता है कि बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है, मतलब बाघ अपने इलाके में मूत्र की गंध के आधार पे उसका निर्धारण होता है, जहाँ जहाँ वो रहता है इस प्रकार से वो चीज़ें वहाँ पे वो दुर्गंध फैली हुई होती है, और जब भी कोई दूसरा बाघ बाघ के इलाके में आता है तो उसके मूत्र की गंध से वह तुरंत पहचान लेता है कि हमारे इलाके में कोई दूसरा बाघ आया हुआ है। तो यहाँ पे बाघ के जो इलाके का निर्धारण होता है, उसके क्षेत्र विशेष का निर्धारण होता है, वो उसके मूत्र के दुर्गंध के माध्यम से होता है। इसी से वो ये समझता है कि हमारा इलाका कहाँ पे है और दूसरे बाघ का इलाका कहाँ पे है, क्या हमारे क्षेत्र विशेष में कोई आया या हम किसी दूसरे क्षेत्र विशेष में चले गए। आगे की लाइनें क्या कहती है कि बाघ कई प्रकार का आवाज निकालता है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये शिकार को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों का भी आवाज आसानी से निकाल लेता है, जिससे यहाँ पे शिकार क्या हो आकर्षित होते हैं। और इसमें सर्वाधिक प्रभावित जो जीव होता है उसको सियार कहा जाता है। सियार की आवाज अगर एक बार निकल आती है तो वह आवाज यदि दूसरे सियार के अगर कानों तक जाती तो वह बिना बोले नहीं रह पाता है। इससे यह क्या करता है कि अपने शिकार को टारगेट करके वह आसानी से पकड़ लेता है। दूसरी बात कहता है कि एक विशेषता पाई जाती है कि बाघ की दहाड़ की बात होती है। तो देखिएगा साहब कह रहा है कि बाघ की दहाड़ इतनी प्रबल या इतनी तीव्र होती है कि यह आसानी से 3 किलोमीटर की दूरी तक यह सुनी जा सकती है। आगे की लाइन क्या करिए कि जो बाघ का बच्चा होता है ये जन्म के समय 1.5 से 2 किलो का होता है। तो बात करेंगे हम अगर बाघ के बच्चे के वजन की तो ये जन्म के समय 1.5 से 2 किलो का होता है। आगे क्या कह रहा है कि बाघ एक पूर्णतः मांसाहारी जीव है। जैसे आपने अभी स्लाथ को जाना था कि स्लाथ पूर्णतः शाकाहारी जीव है, तो ये केवल पशुओं को या उनके मांस को खा करके अपना जीवन व्यतीत करने वाला जीव है, इस आधार पे इसे मांसाहारी जीव कहा जाता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले जीव के बारे में या पशु के बारे में, और अगला पशु है हमारा क्या, शेर। एक बड़ी फेमस लाइन कही जाती है कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो यहाँ पे इसी आधार पे एनसीईआरटी की पहली लाइन लिखी है कि भूरे रंग का जीव है। शेर किस रंग का है, आपसे बात हुआ था कि बाघ और शेर में यही अंतर होता है, बाघ के शरीर पर पीले और काली धारियां पाई जाती हैं, लेकिन शेर का शरीर भूरे रंग के पट्टियों वाला होता है। इसी और ये है जंगल का राजा कहा जाता है। आगे की लाइन आपकी क्या कहती है, कह रही है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शेर का अंकन है, अर्थात भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये वाराणसी स्थित या उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, उसमें शेर का अंकन किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे क्या कह रहा है कि वही बात कर रहा है कि 3 कॉमन विशेषताएं आप जीव में देख रहे हैं। जैसे आपने देखा कि हाथी में कि हाथिनी समूह में बच्चों के साथ रहती उसका नेतृत्व करती, बाघिनी भी समूह में रहती और बच्चों का नेतृत्व करती है, और उसी प्रकार शेर जो है या शेरनी जो होती है वह अपने बच्चों के साथ समूह में रहती है और समूह में रह करके वह अपने समूह का नेतृत्व स्वयं करती है। आगे की लाइन क्या करिए कि शेर के देखने की क्षमता, वही बात कह रहा है, बाघ जैसी विशेषता पाई जाती है कि जिस प्रकार बाघ के देखने की क्षमता अंधेरे में मनुष्यों की अपेक्षा 6 गुनी ज़्यादा होती है, उसी प्रकार शेर की भी अंधेरे में देखने की क्षमता मनुष्य की अपेक्षा 6 गुनी ज्यादा होती है।
एक दूसरी विशेषता भी यहाँ पे बाघ और इसकी यहाँ पे समान है, कह रहा है कि बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के माध्यम से करता है। तो जिस प्रकार बाघ को आपने जाना, उसी प्रकार यहाँ की लाइन कह रही है कि शेर अपने इलाके का निर्धारण किसके माध्यम से करता है, मूत्र के माध्यम से करता है। अर्थात मूत्र की दुर्गंध के माध्यम से ये पता चलता है कि यह क्षेत्र विशेष दूसरे शेर का है, और वह दूसरे जब क्षेत्र विशेष में जाता है तो दूसरे शेर की दुर्गंध से भाप लेता है कि यह हमारा इलाका हमारा क्षेत्र नहीं है। आगे कह रहा है कि शेर मूंछों के माध्यम से दिशा का निर्धारण करता है, अर्थात इसकी जो मूंछें होती हैं बाघ की समान यह भी बड़ी बड़ी होती हैं, और ये मूंछ के हिलने के गति से ये क्या करता है कि पेड़ की जो पत्तियां हिल रही हैं वो हवाओं के कारण हिल रही हैं कि वो किसी शिकार के दौड़ने के कारण ये हिल रही हैं, इसमें वो आसानी से अंतर कर लेता है। और अंधेरे में दिशा का निर्धारण बाघ की तरह या अपनी मूंछों के माध्यम से आसानी से कर लेता है। आगे की आपके एनसीईआरटी की लाइन करिए कि शेर का बच्चा जन्म के समय, अब देखिएगा बाघ और शेर में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। बाघ में आपने जाना था कि यह 1.5 से 2 किलो का जन्म के समय होता है, जबकि शेर का जो बच्चा होता है वो जन्म के समय 2.5 से 3 किलो का होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शेर भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट शेर की लाइन यही है कि ये भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान, और यह गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में है, ये यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर आज आपसे बात किया सिटेट एनवायरनमेंट के क्रम में पशु नामक चैप्टर के वीडियो नंबर 1 पर। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।